नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गार्डनिंग इज माय पैशन के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए सबसे पहले वीडियो को वॉच करने के लिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे पास है कोकोपीट। बहुत लोगों को पता नहीं कोकोपीट क्या होता है। कोकोपीट कुछ नहीं है गाइस, बस ये जो हम नारियल छीलते नहीं है घर पे, ये उसी के बुरादा से बनता है। कोकोपीट को हल्के से पीस लेते हैं, वहाँ पे ये बनता है। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं और मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं। मार्केट में इसकी 1 किलो की ईंट मिलती है और 2 किलो की और फिर 5 किलो की। ऐसे ये मार्केट में 40 to 45 rupees पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। पर अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है, ऑनलाइन थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा। आपको जहाँ पे सस्ते मिले आप वहाँ पे मंगा सकते हैं। ये 5 kg का है। ये मुझे 200 rupees पड़ा है, 40 rupees पर केजी के हिसाब से। कोकोपीट एक बहुत ये अच्छा है, ये मेन सीड जर्मिनेशन में काम आता है। जैसे ये 5 किलो का है, जैसे आपको थोड़ा सा यूज़ करना है तो इसे थोड़ा सा छोटा सा पीस निकाल लीजिए और उसे पानी में भिगो लीजिए, वो हम आगे आपको बताएंगे। इससे होता क्या है गाइस, सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं और जो रूटिंग रहती है वो बहुत अच्छी होती है। तो चलिए पहले हम इसे छोटे से पीस छोटे छोटे पीस में तोड़ लेते हैं। आपको अगर आप गमले में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगा रहे तो आप पूरा पानी में भिगो लें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 80 liters पानी लगता है, क्योंकि ये 4 to 5 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ये 5 किलो का है तो उसके बाद 50 to 30 kilos का बन जाता है। अभी हम इसका छोटा पीस का करेंगे, तो चलिए पहले हम इसका छोटा सा पीस तोड़ लेते हैं और इसे पानी में भिगो के दिखाते हैं ये कैसा होता है। आप चलिए पहले हम इसे तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए गाइज, मैंने छोटा सा पीस तोड़ लिया है। इसको मैं ऐसी पन्नी में पैक करके रख दूंगा। ऐसे आप खुला रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप पानी डालेंगे, हम देखते हैं अब इसमें कितना पानी लगता है। चलिए इसमें हम पानी डालते हैं। अब हम इसे पाइप से पानी डालेंगे, पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगता। ये देखिए, बस थोड़ा सा भिगो दीजिए और बंद कर दीजिए। अब हम इसे मिक्स करते हैं। ये हल्के से देखिए कितना अच्छी तरीके से टूट जा रहा है गाइज, ये देखिए। बस अब इसे हम एकदम पाउडर कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। कोकोपीट भिगोने के बाद देखिए मैंने कितना थोड़ा सा लिया था और कितना ज़्यादा हो गया है। अब कुछ नहीं है, देखिए इसको दबाएंगे तो हल्का पानी निकलेगा। इसको अब आप पॉट में भर के आप इसमें सीडलिंग कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें रूट बहुत जल्दी डेवलप होते हैं मिट्टी के अलावा। अब इसमें आप कुछ मत कीजिए, बस थोड़ा सा आपके पास है तो वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए या फिर गार्डन सॉइल, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया, ये देखिए। सिर्फ मैंने इतना छोटा सा पीस लिया है तो इतना सारा हुआ है। तो आप ज़्यादा लेंगे तो आप ज़्यादा में भी लगा सकते हैं। ये ऐसे 2 गमले के हिसाब से है। ऐसे तो मैं सीडलिंग करूँगा। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए सबसे पहले वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।